सब तो पहला फतेह अर्ज करना, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज मैं सिर्फ ते सिर्फ तुसी जेड़े इत्थे इकट्ठे होए हो संगत रूप विच, संगत रूप च रब वसै, मैं तो सिर्फ अज नमस्कार करना आया तुहाडे चरणा विच। कल सरकार ने मीटिंग सदी हुई है, तुहाडा पक्ष असी बहुत वारी पेश कर चुके हैं, सरकार को जवाब कोई नहीं। वाहिगुरु मेहर करे, तुहाडा आशीर्वाद होए ते कल नूं एक बारी फिर सरकार नूं हरावांगे। सानूं इस गल दा एहसास है भी आपां सारे इकल्ले नहीं, सारी दुनिया इस अंदोलन नूं देख रही है। एक नवेकली किस्म दा अंदोलन जिहड़ा इतिहास विच इन्ना लम्मा समा बिना फुल तोड़े शांतमई अपने शरीर ते कष्ट झल के चल रहा है। अज सरकार ने जो कुछ कहना सी हुण तक, जो उल्टा सीधा तुहाडे बारे बोलना सी बोल लिया, ते ओ घबराए होए ने, बुखलाए होए ने, उखड़े होए ने। उन्हां नूं ये भी समझ है वी हुण असी जो मर्जी आखीए आम लोकां ते उहदा कोई असर नहीं। तुहानूं वक्खवादी कह के देख लिया, अतवादी कह के देख लिया, ये सिर्फ पंजाबियों का अंदोलन कह के देख लिया, सिखां का अंदोलन कह के देख लिया। जिस तरह घुट के जप्पी हरियाणे ते पंजाब ने पाई, उहदी मिसाल भी तुसी वेख ली किवें हरियाणे के मुख्यमंत्री नूं भाजड़ां तुसी पाईआं, साडे हरियाणे के भरावां ने पाईआं। साडी इह किसानी दी गलवक्कड़ी तोड़न दी पूरी टिल लाई सरकार ने, पर उत्तराखंड तो साढ़े भरा डांगा खांदे पानी दियां बुछाड़ां सह के फिर भी गाजीपुर बॉर्डर उत्ते हजारां की तादाद विच पहुंचे। ये कोई छोटी गल नहीं भाई, महाराष्ट्र तो 2000 किसान पैदल चल के जयपुर रोड से आके धरने विच शामिल हो गया। ये कोई छोटी गल नहीं, कोई 1500 किलोमीटर का सफर करके मध्य प्रदेश के किसानों ने पलवल आके मोर्चा संभाल लिया। अज मोर्चा सिर्फ पंजाब हरियाणे दी हद्दां तक सीमित नहीं, इहदे विच पंजाब हरियाणे दे नाल राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड, इत्थे ही नहीं अज देश दे चार वड्डे शहरां विच बहुत वड्डियां वड्डियां रैलियां हो रही हैं। तुहाडे हक विच हैदराबाद च रैली हो रही है, तुहाडे हक विच अज कर्नाटक दी विधानसभा किसानां ने घेरी हुई है, तुहाडे हक विच मणिपुर दे किसान अज इकट्ठे होए ने, तुहाडे हक विच और उत्तर किहड़ा आंध्र प्रदेश दे नाल सूबा उत्थे दे किसान भी इकट्ठे होए ने। अज देश दा नहीं संसार दा एक तरह दा शांतमई शीत युग शुरू होया होया। कई वारी ये हुंदा है कुदरती कोई खेड हुंदी है, जिवें ये आखां वी आ जिहड़े जथेबंदियां दे लीडर ने सिर्फ इन्हां दे आखे तुसी आ गए, धन्नवाद तुहाडा जे तुसी इदां आए हो, पर कोई कला तां वरती है ना। जदों अत हो जांदी है तां फिर कुदरत अपना कुछ भाणा वरतौंदी है। सरकारां ने अत चक लई ते कुदरत ने भाणा वरताया। हर इस देश का कमा के खाण वाला आदमी इस अंदोलन नूं अपना अंदोलन समझण लग पिया, चाहे कोई मजदूर है,
कोई किसान है, कोई दुकानदार है, कोई व्यापारी भी है, सारे इस तरह महसूस करन लगे ने भी साडे घर दी लड़ाई है। साडियां भैणां ने, साडियां बच्चियां ने ठंड विच इत्थे धरने ते बैठियां ने, कुछ तो कला वरती है ना, अकाल पुरख का भाणा तो है ही ना। तो मेरी तुहानू सारयां नू सनेमर बेनती है, अज मैं बहुत लंबियां गल्लां नहीं करनियां, मैं फिर तैयार हो रहा कल नू फिर मोदी सरकार नाल भिड़न लई अपने साथियों नू नाल लेके। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों नाल सलाह करके सारे सुप्रीम कोर्ट के वो केस जिहड़े तुहाडे हाथ हक विच पुग चुके ने उन्हां दी एक लिस्ट लैके कल नू फिर ढाहांगे मोदी सरकार नू, देखांगे किधर नू तुरदी है। पर तुहानू यह बेनती है, ख्याल रखियो यह अंदोलन सारी दुनिया विच इस लई वक्री थां बना सकिया भी यह शांतमई अंदोलन है। अज साडे वलंटियर हर रोज सरकार दियां एजेंसियां दे बंदियां नू फड़दे ने रातां नू, तरह तरह दियां घटनावां करन दी तैयारी च लगे लोकां नू, साडे वलंटियर रात भर सौंदे नहीं, उहनां नू फड़दे ने। ते तुहानू भी सारयां नू बेनती है भी किते कल्ला जोश कदी कम नहीं करदा हुंदा, होश कायम रखियो, जिन्नी तुहाडी जिम्मेवारी वधदी जांदी है उन्ना ही ज्यादा होश नाल इहनू अंदोलन नू अगे चलायो। इहदे ते एक छोटी जी कोताही भी इतिहास में बहुत वड्डी गलती बन के उभरेगी, फिर नहीं कुताही करनी। सरकार इखलाकी तौर ते हार चुकी है, सरकार नू राह नहीं लभ रहा भजन दी, तो छड़ांगे भजा के। पर इको सनिमर बेनती बार 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 अखीर च इको सनिमर बेनती बार बार अपने बच्चों अगे, अपने भरावों अगे, अपनियां बीबियां भैणां अगे, इस अंदोलन के खासे का पला नहीं छड़ना। यह शांतमई अंदोलन है, शांतमई सानू गुड़ती मिली हुई है गुरु अर्जन देव पातशाह तो, सानू गुड़ती मिली हुई है श्री गुरु तेग बहादुर जी पातशाह जिन्होंने अपनी कुरबानी दे के सानू शांतमई रहना सिखाया है। ये बहुत वड्डा तुहाडा इतिहास है, बहुत वड्डी वड्डा तुहाडा खासा है, तुहाडी जायदाद है, विरसा है। देखियो इस विरसे ते किते कोई कलंक ना लग जाए। सतगुरु मेहर करन सारयां नूं सानूं सुध बुद्धि ते समत बख्शन, असी इसे तरह डटे रहिए। बड़ा साफ शब्दां च कह दिता मोदी सरकार नूं भई हुण साडे लई समा सीमा नहीं, असी तां होले मोहल्ले तक तैयारी है साडी, देख लो जिन्ना साडे सबर दा इम्तिहान लैणा लै लो, असी हर इम्तिहान दा परचा तुहाडा पाया, उह इम्तिहान देण लई तैयार हां। पर आखिर भजदियां नूं तुहानूं राह नहीं लभणा। तो मैं उम्मीद करदा मेरियां इन्हां बेनतियां नूं प्रवान करोगे। कल 2 बजे मीटिंग है, शाम तक वापस आवांगे। वाहिगुरु मेहर करे तुहाडी छेती जित होवे, इन्नी अरदास करदा सारे संतां महापुरखां दे बुद्धिजीवियां ज्ञानियां दे चरणां विच अरदास बेनती वी सारे सब नूं डिसिपलिन दा पाठ पढ़ाओ। इन्ना कहिंदा खिमा चाहुंदा, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह।